हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एवी भाई गेमर्स में। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक पबजी मोड, वो भी माइनक्राफ्ट में। और इसके अंदर हम खेलने वाले पबजी का टीडीएम, वो भी माइनक्राफ्ट में। और इसके अंदर आपको मिलने वाली सारी की सारी गन, और ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसको पूरा देखना क्योंकि आपको भी आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा। और इसके अंदर एक दिक्कत होती है कि हम यहाँ पे गन को रिलोड नहीं कर पाते, तो मैं आगे चल के वो वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे रिलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्पॉन हो गए, या आप कहीं भी हो सकते हो। तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मैप नहीं है, बिल्कुल जैसे पबजी में होता है वैसे ही सेम टू सेम। तो वहाँ पे लाल टीम होगी और वहाँ पे ब्लू टीम होगी, और यहाँ पे बीच में दो चेस्टें होंगी जिनके अंदर आने वाला हमारा आर्मर। तो फिलहाल पहले तो मैं आपको ये सारी गन दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कौन सी गन मिलने वाली है। तो आपको यहाँ मिलने वाली ये सारे गन, और ये बहुत सारे गन है। इस गन से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ M4, और यहाँ पे हमको वेक्टर भी मिलने वाली है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे M24 भी मिलने वाली है, जिसको मैं चूज करने वाला हूँ। और आप एक बात ध्यान रखना, जब आप इनको चूज कर ले तो आप इनकी गोलियों को भी चूज कर लेना। तो मान लो ये M416 है, तो M4 मैंने यहाँ पे भरा, इसकी यहाँ पे मैग आ जाएगी। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे ये चूज कर लेने। उसके बाद आई AKM की बारी, तो AKM की मैग ये रही। और उसके बाद ये पता नहीं कौन सी है, फिर मैं इसकी मैग ले लेता हूँ, फिर ये अपने आप आएगी। हाँ, तो इसका नाम है इंटरवेंशन। तो ये हाँ ये रही, तो मैंने यहाँ से इसकी मैग ले ली है। और आई अब M24 की बारी, तो मैंने ये यहाँ से सारे सारे गन ले लिए हैं। और यहाँ पे आप और भी बहुत सारे ले सकते हो। और उसके साथ मेरे को यहाँ पे थोड़े से ग्रेनेड भी मिलने वाले हैं, और फ्लैश ग्रेनेड भी, और मेडिकेट भी। तो पहले तो मैं यहाँ से सिंपल ग्रेनेड ले लेता हूँ, उसके बाद फ्लैश ग्रेनेड, और उसके बाद हम आ जाएंगे मैडगी। और ये ले लेने के बाद हमको यहाँ से पहनना अपना आर्मर। तो जैसे हम ये पहनेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे रेडी हो जाएंगे फाइट के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ से ये AKM पहले, तो मैं सर्वाइव कर लेता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ से ये AKM चलाई, इसकी गोलियाँ खत्म हो गई। और अब ये आपको पता नहीं होता कि ये कैसे रिलोड होगी। और वैसे यहाँ पे ये भी वैसे इसकी गोलियाँ खत्म ही है ना। हाँ, इसकी गोलियाँ भी खत्म हो, और इसकी भी खत्म हो गई, इसकी भी खत्म हो गई, और यहाँ पे इसकी भी खत्म हो गई। इसकी कितनी है, इसकी भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे सारे सारे गोलियों को अब मेरे को रिलोड करना है। और उसके साथ यहाँ पे ग्रेनेड भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे फेंकने हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे फेंकने वहाँ पे निशान न करना, और इसको दुबाई रखना है। तो देखो वहाँ पे लग जाएगा, और अब यहाँ पे होने वाला धमाका जैसे कि अभी अभी हुआ। और अब यहाँ पे फ्लैश ग्रेनेड की बारी, इसको जब आप फेंकोगे तो इससे आप अंत हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। तो पहले अब मैं आपको मैड गेट दिखाने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को खुद को डैमेज करना पड़ेगा, जो कि बूम से ही हो। तो मैंने यहाँ पर यहाँ फेंका बॉम्ब, और उसके बाद मैं खड़ा हूँ, तो मैं सीधा ही मर गया। जब आप मर जाओगे तो आप आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आप किसी में भी जा सकते हो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लाल में जाने वाला हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे लाल में आ गया। तो इस बार मैं थोड़ी दूर खड़े होने वाला हूँ क्योंकि नेट ज़्यादा पावरफुल होता है। हाँ, तो मैं इस बार खड़े होने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे खड़े होंगे, और इस बार का सब नाम रहे। हाँ, तो देखो मेरी हेल्थ इतनी कम है, तो जैसे मैं यहाँ से माइंड गेट लगाऊंगा तो मेरी हेल्थ देखो कितनी जल्दी बढ़ गई है। तो अब मैं आपको रिलोड करना सिखाता हूँ कि आप इनको कैसे रिलोड कर सकते हो। तो मान लो मेरे को ये M4 रिलोड करनी है, तो मेरे को यहाँ से M4 की गोली अपने इस लेफ्ट हैंड में पकड़नी है। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो आपकी रिलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप जैसे इसको वापस मारोगे तो ये वापस अपने आप रिलोड होती रहेगी। और मान लो
अगर अब आपको एम टू फोर भी करना है तो आपको ये यहाँ से हटानी है और फिर एम टू फोर लगानी है, तो आपकी ये एम टू फोर की भी रिलोड हो जाएगी अपने आप से। तो अब देखो आप यहाँ से एम टू फोर भी आराम से चला सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है ब्लॉक मास्टर फॉर माइनक्राफ्ट पे। आपको इसको फिर ओपन कर लेने, डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन हो जाने के बाद आपको वैसे तो सबसे पहले आ जाएगा ये पबजी वाला, लेकिन फिर भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है पबजी, तो ये सबसे ऊपर आ गया है। आपको ये मैप दबाए रखना है, बिल्डिंग्स में नहीं जाना, आपको सिंपल मैप दबाना और इसको दबाना है और उसके बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ से अपने दबा देना और आप यहाँ से इसकी कुछ फोटो भी देख सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से दबाना प्ले माइनक्राफ्ट। तो जैसे आप इसको खोलोगे तो आपका ये मैप इसका डाउनलोड हो जाएगा। मेरे यहाँ पे दो गेम क्योंकि मैंने पहले भी एक कर रखा था। तो चलो पहले तो मैं यहाँ से एक को डिलीट कर देता हूँ वापस से। तो मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया। तो फाइनली गाइस आज के लिए इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसी वीडियो लेके आता। तो गाइस बाय बाय।